सो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने फीलिंग ऑफ ऑर्बिटल हमने स्टार्ट नहीं किया था, लेकिन एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल देखा था। एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल में हमने N+L रूल देखा था, और ये देखा था कि जिन उन ऑर्बिटल्स में की एनर्जी ज़्यादा होगी, जिनके लिए N+L की वैल्यू ज़्यादा होगी। N क्या है और L क्या है आप जानते हैं। इसके उसमें एक और टर्म आई थी जिसको बोलते हैं स्क्रीनिंग और शील्डिंग। स्क्रीनिंग और शील्डिंग का एक्सटेंट किसी इलेक्ट्रॉन पर किसी एटम में कितना है, ये अपन पता कर सकते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बेसिकली वो चार्ज है जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फील करता है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फील करता है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। और जेड इस जो फॉर्मूला है जिससे हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करेंगे वो है जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस एस, वेयर जेड इज एक्चुअल एटॉमिक नंबर ऑफ एटम एंड एस आर द नंबर ऑफ नॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन। नॉन वैलेंस मतलब वैलेंस शेल को छोड़ के बचे हुए जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो सब हैं एस। तो किसी भी आप देखेंगे क्योंकि किसी भी एक पीरियड में नॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टेंट रहते हैं जबकि एटॉमिक नंबर जेड बढ़ता जाता है। एटॉमिक नंबर जेड बढ़ता जाता है, नॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टेंट रहते हैं, तो उस केस में अपन देखेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है, इसीलिए एटम लेफ्ट टू राइट मूव करने पर छोटा होता है। मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा फोर्स फील करता है तो ज़्यादा फोर्स फील करने के कारण वो न्यूक्लियस के पास में खींचा आता है। और टॉप टू बॉटम मूव करने पर नॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो कॉन्स्टेंट रहते, नॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, एस बढ़ता जाता है जेड के साथ साथ, एस बढ़ता जाता है, तो उस केस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटता जाता है, इसीलिए एटम बड़ा होता जाता है। टॉप टू बॉटम मूव करने पर एटम बड़ा होगा बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज गोइंग टू डिक्रीज। लेफ्ट टू राइट मूव करने पर एटम छोटा होता जाता है बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज गोइंग टू बी इंक्रीज। अब हम नेक्स्ट देखेंगे फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। सो फीलिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स में सबसे पहला जो कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको अपने को याद रखना पड़ेगा किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल को फिल करने के लिए, तो सबसे पहला प्रिंसिपल आता है कि वो है अबव प्रिंसिपल। व्हाट अबव प्रिंसिपल स्टेट्स, तो ये बोलता है इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम्स द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जीज। जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में भरे जाएंगे। तो मतलब जिसकी एनर्जी कम है उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और जिसकी एनर्जी ज़्यादा है उसमें बाद में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो उसमें आप ये स्कीमेटिक बनाया मैंने, ये देख रहे होंगे आपको कैसे पता चलेगा वो किसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो वो है अपना N+L रूल। N+L रूल बताता है जिसकी वैल्यू N+L के लिए ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा, जिसकी वैल्यू N+L के लिए कम उसकी एनर्जी कम। अब इसके लिए सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन है, सपोज कीजिए आपने यहाँ तक कुछ ऑर्बिटल्स ड्रॉ किए उनका ऑर्डर अपन देखेंगे। जब आप ऐसा 1s लिख लिया, फिर 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f एक इक्वल डिस्टेंस से सबको सेट बना लेना है सबका। हर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नीचे जाने पर बढ़ती जाएगी। पहली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब पहला सब शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल, पांचवा शेल, छठा शेल। तो शुरुआत हमने को करना है पहले सेल से। सबसे पहले आप पहले सेल में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, पहले सेल में इलेक्ट्रॉन भरेंगे मतलब आपने पहले सेल में लाइन खींच ली। उसके बाद अगला ऑर्बिटल कौन सा आता है, दूसरा। उसके बाद दूसरे में दूसरे का पी सबशेल आता है, तो दूसरे का पी सबशेल तीसरे को तीसरे के एस सबशेल को क्रॉस करेगा। इस तरह से आप जब ड्रॉ करते हैं और आप जब देखेंगे कि किसकी एनर्जी ज़्यादा है उसका जब ऑर्डर लिखेंगे आप, तो वो लिखेंगे आप ये है ऑर्डर। सबसे पहले आया 1s, उससे ज़्यादा एनर्जी है 2s की, उससे ज़्यादा 2p, फिर 3s 3p। अब कायदे से तो 3d आना था लेकिन आप देख रहे होंगे 1s 2s 2p 3s। अब 3s के बाद 3p के बाद यहाँ पर 3d नहीं आएगा क्योंकि आप देख रहे हो 3 के बाद 3pp के बाद अगला नंबर है किसका, 4s का। तो यहाँ पर आएगा एटॉमिक ऑर्बिटल 4s, उसके बाद आता है 3d का नंबर, 3d के बाद फिर आता है आपका 4p, 4p के बाद आपका आता है फिर 4d के बजाय आता है 5s, 5s के बाद आता है फिर आपका 4d एंड सो ऑन, ऐसा चलता रहेगा। तो इस तरीके से आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज में इलेक्ट्रॉन भरना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर एनर्जीज कैसे पता करेंगे उसका ये वो सिंपली रूल है N+L। आप ऐसे पता कर सकते हैं, आप एक स्कीमेटिक ये बना लें तो आपको पता चल जाएगा। तो आपको पता चलेगा 1s 2s 2p 3s 3p ये क्या है। बेसिकली 1s 2s ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, 1 2 3
जबकि एस पी डी ये उसके सबशेल। सबशेल क्यों होते हैं आपको अपन पहले ही देख चुके हैं। अब नेक्स्ट रूल के एनर्जी के बाद हम क्या करें, इसमें कौन से रूल हैं वो अगला रूल अपन देखेंगे। तो नेक्स्ट रूल आता है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, वो क्या करता है ये देखते हैं। सो नेक्स्ट रूल है अबव प्रिंसिपल के बाद पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलता है नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ ऑल फोर क्वांटम नंबर्स। का मतलब ये है कि किसी एक एटम में ऐसे कोई भी दो इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे जिनके चारों के चारों क्वांटम नंबर, चारों के चारों क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एज़ीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर, इन चारों की क्वांटम नंबर की वैल्यू उसके लिए आइडेंटिकल हो, ऐसे कोई भी दो इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। मतलब कोई भी दो इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं होंगे जिनके चारों के चारों क्वांटम नंबर के सेट एग्जिस्ट हो। इसका क्या मतलब है, इसका इनडायरेक्ट मीनिंग ये है कि किसी एक ऑर्बिटल में आप सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ये बोलना चाह रहा है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पर बेसिकली प्रिंसिपल या टेक्निकल लैंग्वेज में उसने बोला नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम सेट ऑफ ऑल फोर क्वांटम नंबर्स। तो कैसा क्या मतलब है इसका, ये सपोज कीजिए आपने एक पहले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरा तो इसके लिए एम की वैल्यू 1, एल की वैल्यू 0 और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0। अगर आप और स्पिन क्वांटम नंबर इस क्योंकि क्लॉकवाइज स्पिन है तो यह है प्लस हाफ, लेकिन अगर आप इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो एन की वैल्यू इसके लिए 1, एल की वैल्यू 0, एम एल की वैल्यू 0, तीनों के तीनों क्वांटम नंबर के सेट एक जैसे इसमें, लेकिन जो तीसरा क्वांटम नंबर है स्पिन वो पलट जाता है, वो होता है माइनस हाफ। अगर आप अब इसमें तीसरा इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो वो तीसरा इलेक्ट्रॉन उसकी स्पिन अपोजिट होगी, वो ऐसा होगा, तो उसके लिए फिर से यही क्वांटम नंबर रिपीट किए जाएंगे। तो अब एटम में ऐसे दो इलेक्ट्रॉन होंगे जिनके चारों के चारों क्वांटम नंबर के सेट एक जैसे हैं। तो ये पाउलीज बोलता है कि ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब आप एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, दो, क्योंकि एक एटम में दो ही इलेक्ट्रॉन ऐसे हो सकते हैं जिनके बाकी के तीन क्वांटम नंबर के सेट एक जैसे हों और चौथा क्वांटम नंबर डिफरेंट हो। अगर आपने उसमें एक ऑर्बिटल में तीसरा इलेक्ट्रॉन भरा तो इसका मतलब आप के पास ऐसे दो इलेक्ट्रॉन होंगे जिनके चारों के चारों क्वांटम नंबर के सेट एक जैसे हों। तो ऐसा नहीं होगा, इसलिए एक ऑर्बिटल में सिर्फ मैक्सिमम दो ही इलेक्ट्रॉन भरा सकते हैं, दो ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं अपन। तो पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ ऑल फोर क्वांटम नंबर्स। आइए अगला रूल देखते हैं। एक और चीज इसके बारे में ये है कि अब जो दो इलेक्ट्रॉन आप मैक्सिमम और एक ऑर्बिटल मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, वो और इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरे जाएंगे कि उनकी स्पिन एक दूसरे के अपोजिट हो। मतलब अगर एक की स्पिन क्लॉकवाइज है तो दूसरे की क्या हो, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि सेम स्पिन में अगर आप एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को भरेंगे तो फिर उनके लिए चारों के चारों क्वांटम नंबर के सेट एक जैसे हो जाएंगे। और चारों के चारों क्वांटम नंबर के सेट एक जैसे नहीं होना है, तो ये जरूरी है कि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन भरे और उन दोनों की स्पिन क्या हो, एक दूसरे से ठीक अपोजिट हो। एक और चीज इसमें जो बोलने लायक वो ये है कि किसी भी एक शेल में आप मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सपोज कीजिए उस शेल का नंबर n है, उसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है, तो उसमें मैक्सिमम नंबर आप जो इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं वो होगी 2n स्क्वायर उस शेल, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में होने वाले मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे फॉर एग्जांपल आप पहले शेल में, आपके पास पहले एक पहले शेल में एस ऑर्बिटल है, इसमें आप कितने भर सकते हैं, एक ही ऑर्बिटल है, इसमें आप भर सकते हैं दो इलेक्ट्रॉन, तो n की वैल्यू 2 रखेंगे, 1 का स्क्वायर इंटू 2 मतलब 2, तो आप दो इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। दूसरे शेल में इसके हिसाब से n के स्क्वायर 2 दूनी 4 दूनी 8 भर सकते हैं आप, देखते हैं आइए 8 भर सकते हैं। तो 2s में 3, 6p में 6 और 2 8, इस तरह से तीसरे के लिए 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 टू 18 18 इलेक्ट्रॉन आप इसमें भर सकते हैं। इसमें थर्ड में तो देखिए भर सकते हैं कि डी में 10 इलेक्ट्रॉन क्योंकि इसमें 5 ऑर्बिटल है, पी में 6 इलेक्ट्रॉन क्योंकि इसमें 3 ऑर्बिटल है, तो 10 और 6 16 और 2s के, तो इस तरह से 18। तो आपने देखा होगा 2 8 18, जो आप 9th क्लास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहते थे, 2 8 18 बेसिकली यहीं से आया था। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कैन बी फिल्ड इन एन सिंगल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 2n स्क्वायर। सो अगला रूल है हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। देखिए पहला रूल था आपका अबव प्रिंसिपल विच स्टेट्स दैट इलेक्ट्रॉन शुड बी फिल्ड इन एन ऑर्बिटल इन इंक्रीज्ड ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज। दूसरा रूल था आपका पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी बोलता है दिस रूल डील्स विद फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी।
इन द ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम एनर्जी, मतलब उन सब शेल में इलेक्ट्रॉन फिल करने की बात कर रहा है जिनकी एनर्जी सेम है, मतलब दोज आर डीजनरेट ऑर्बिटल्स, ये डीजनरेट है। तो ये रूल बोलता है कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटॉमिक ऑर्बिटल, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बिलोंगिंग, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू द सेम सबशेल डज नॉट टेक प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू द सबशेल गॉट वन इलेक्ट्रॉन ईच दैट इज सिंगली ऑक्यूपाइड। इसका मतलब ये है कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी सबशेल में तब तक नहीं होगी जब तक उसके हर एक ऑर्बिटल को एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन ना मिल जाए, दैट इज सिंगली ऑक्यूपाइड। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे 1s है, 2s है, 2p। हंट रूल जानने के बाद वी आर कैपेबल टू फील एनी टाइप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ये जानने के बाद हम पूरा, मतलब यू आर अवेयर ऑफ ऑल रूल ऑफ द फीलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स या फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इसलिए लास्ट रूल है, मैं आपको बताता हूँ। सपोज कीजिए जैसे नियॉन 10, नियॉन ऐसा एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 10 है, उसको आप फिल करना चाहते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहते हैं, तो ये आप उसके जो आपने ऑर्बिटल बनाए 1s 2s 2p एनर्जी के हिसाब से, अपने को 5 सबशेल चाहिए क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन, तो पहले आप इलेक्ट्रॉन भरेंगे पहले सबशेल में। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन आप ऐसा डायरेक्ट ऐसे नहीं भरेंगे, आप पेयरिंग करेंगे क्योंकि उसके उसमें क्योंकि लोअर एनर्जी ऑर्बिटल पहले भरे जाएंगे, इसलिए पहले 1s ऑर्बिटल भर गया कम्प्लीटली, फिर सेकंड एस का एस सबशेल क्योंकि एस की एनर्जी कम है इसलिए इसमें भी पेयरिंग हो जाएगी, फिर उसके बाद आती है पी। अब ये पीनों के तीनों और ऑर्बिटल सेम एनर्जी लेवल पे, अब पी के तीनों सेम एनर्जी लेवल पे है, तो 5, अब अपन इसमें पेयरिंग नहीं करना है, कब तक नहीं करना है, जब तक ये तीनों ऑर्बिटल को एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन ना मिल जाए, तो 5, 6, 7, अब तीन जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन वो पेयरिंग में स्टार्ट करना, 8, 9 और 10। तो इस तरह से एक रूल, पहला रूल अबव प्रिंसिपल, आपने पहले 1s में भरा, फिर 2s में भरा, फिर 2p में भरा, वो भी हो गया। तीसरा पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो बोलता है नॉट मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम के हैं ऑल सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स, मतलब एक ऑर्बिटल में आपको 2 इलेक्ट्रॉन भरना है जो कि आपने सब में 2 भरे, वो भी हो गया पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तीसरा हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, मतलब आप इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं भरेंगे उसमें जब तक कि किसी सबशेल में सेम एनर्जी वाले सबशेल में तब तक नहीं भरेंगे, जब पेयरिंग तब तक नहीं करेंगे जब तक कि उसमें हर एक ऑर्बिटल को एक इलेक्ट्रॉन ना मिल गया, जैसे ये वाला 2p, आपने सब में पहले एक एक भरा फिर आपने पेयरिंग स्टार्ट की, इसके जैसे नहीं कि इसमें एक भरा और फिर इसमें 2 भर दिए, तो ये 3 है। अब जैसे मान लो आपको नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, नाइट्रोजन का नंबर है 7, तो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और 7, तो इस तरह से आपने 7 भर दिए। अब अगर मान लो नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आता है 8वें नंबर का इलेक्ट्रॉन एटम, ऑक्सीजन आता है 8वें नंबर का, तो आप एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ इस पी में फिल कर देंगे क्योंकि 8th इलेक्ट्रॉन, 3 जब सिंगली ऑक्यूपाइड हो गए तब आप पेयरिंग स्टार्ट कर देंगे। तो ये दिस इज ऑल अबाउट द रूल्स ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब आइए कुछ दूसरे एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उनका लिखना सीखते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं। सपोज कीजिए कैल्शियम जो 20 नंबर का एटम है आपका, जिसका पीरियड टेबल में 20 नंबर है, उसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो अपन पहले लिखते हैं फिर अपन ऑर्बिटल ड्रॉ करके उसमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। तो पहला 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, अब नेक्स्ट 3d नहीं आएगा, वो आएगा 4s2 के अबव प्रिंसिपल से, 4 के लिए n प्लस l की वैल्यू 3d से कम है, 4s2, अब आएगा आपका 3d 10, तो आइए देखते हैं कितने हुए, 10। ये दीज आर दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो सुपर स्क्रिप्ट में लिखी है, तो spd के ऊपर वो इलेक्ट्रॉन के नंबर है जो किसी उस सबशेल में भरे हुए हैं, 10 और 2 12 6 18 19 20 10 और 2 12 6 18 तो 20 26 28 और 2 30, ये ज़्यादा हो गए हैं इलेक्ट्रॉन इसमें, एक्चुअली ये 30 नंबर वाले एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिखा है अपन ने, तो अपन कुछ चीज़ें ये 10 हटाए अपन ने, अब क्या है 4s में भी अपन ने कुछ नहीं भरा, 6 2 8
आठ छः 14, 4 18, और एस में अगर दो कर देते तो ये हो जाते हैं 20। तो इस तरह से कैल्शियम का कॉन्फिग्रेशन होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s, 3p और 4s, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s। तो s में आपने दो इलेक्ट्रॉन, फिर 1s2 में दो, उसके बाद 2s2 में दो, 2p6 में तीन। ये याद रखें, आपको भले ही पता है कि 6 इलेक्ट्रॉन p में भरना है, तो आप उसी ऑर्डर में भरें जैसे भरते हैं, पहले एक एक ऑक्यूपाई कर दिया, फिर बाद में उनकी पेयरिंग की। ये आदत बना लें अपनी, ऐसा नहीं कि 6 इलेक्ट्रॉन है तो पहले की। दो तरीके हैं इस 2p6 को भरने का। 2p6 को भरने का तरीका ये है कि मान लो दो पी ऑर्बिटल भरना, एक तरीका ये हो सकता है 3, 4, 5, 6, एक ही होगा, कुछ लोग ऐसे भरेंगे। ये गलत है, इस तरह से ना भरें। रिजल्टेंट दोनों का एक ही है, लेकिन इस तरह से कभी ना भरें, आदत ही ना डालें। ये आदत सही है कि पहले अपन ने एक एक भर दिया, फिर उसके बाद अपन ने पेयरिंग स्टार्ट की। फिर 3p 2p6 के बाद 3s2, फिर 3p6 और 4s2। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है कैल्शियम का। अब आगे देखेंगे, कैल्शियम के बाद आता है अपना अगला 21वां नंबर का एलिमेंट स्कैंडियम। स्कैंडियम बेसिकली डी ब्लॉक का एलिमेंट है, बिकॉज इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाता है। 4s2 के बाद आप लिखेंगे 3d1, है ना, ऐसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम। तो क्रोमियम में थोड़ी एनामोली होती है, क्रोमियम और कॉपर में कॉन्फिग्रेशन में एनामोली है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, वैनेडियम का है स्कैंडियम 1, टाइटेनियम का 3d2, वैनेडियम का 3d3 बेसिकली। और जो अपना क्रोमियम है उसका होना था 4s2 3d4, ऐसा होना था। पर एक्चुअल कॉन्फिग्रेशन क्रोमियम का 4s2, मैं आउटर मोस्ट कॉन्फिग्रेशन की बात कर रहा हूँ सिर्फ, 3d4 इसको बोलते हैं वैलेंस शेल, और ये होता है अपना ये 3d, और बेसिकली ट्रांजिशन एलिमेंट जो डी ब्लॉक है, इनमें 4s और 3d बोथ आर दी वैलेंस शेल, इनको वैलेंस शेल माना जाता है। उनको पेनल्टीमेट शेल भी बोलते हैं, जैसे 4s आपका वैलेंस शेल हो गया और 3d आपका पेनल्टीमेट शेल हो गया। तो क्योंकि न्यूक्लियस से दूर तो 4s ही सिचुएटेड है, 3d भले ही 3d न्यूक्लियस से पास में, पर भले ही उसकी एनर्जी ज़्यादा हो, पर डिस्टेंस देखी जाए तो 3d की 3d ऑर्बिटल इज क्लोजर देन दी 4s, इसलिए दीज आर, दिस इज वैलेंस शेल एंड दिस इज पेनल्टीमेट शेल। दैट्स व्हाई इनको डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, क्योंकि आखिरी में जब अपन इलेक्ट्रॉन भरते हैं n+l के हिसाब से डी में जाता है। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो क्रोमियम का कॉन्फिगरेशन होना चाहिए था 4s2 3d4, लेकिन एक्चुअली 4s2 3d4 ना होते हुए 4s2 3d4 का कॉन्फिगरेशन आप देखें, ये 4s, ये आपका 3d, 4s एंड 3d। तो 4s में आपने दो फिल कर दिए, 3d में आपको करना है 1, 2, 3 4, तो ये हो गया 4s2 3d4। लेकिन ये कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट नहीं है। एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी से रिसेम्बल करता है वो होता है 4s1 3d5। तो 4s1 3d5 मतलब s में एक इलेक्ट्रॉन और d में 5। ऐसा इसलिए है क्योंकि हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल्स। पहले जो कंडीशन थी उसमें s तो फुल फील्ड था, लेकिन जो d ऑर्बिटल जो बड़ा सबशेल है वो सबशेल पार्शियली फील्ड था, उसमें चार्ज थे। इट कॉजेस डीस्टेबिलाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, इसके कारण इस डीस्टेबिलाइजेशन हो रहा था। तो इसको स्टेबल करने के लिए 4s का एक इलेक्ट्रॉन उठा के यहाँ पर रख दिया गया, ताकि ये भी हाफ फील्ड हो गया और ये भी हाफ फील्ड हो गया, और हाफ फील्ड ऑर्बिटल आर कंपेरेबल इन स्टेबिलिटी विथ फुल फील्ड ऑर्बिटल। हाफ फील्ड ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी लगभग फुल फील्ड ऑर्बिटल के बराबर होती है, कंपेयर कर सकते हैं हम। लेकिन पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल्स मेक्स द एटम अनस्टेबल या मेक्स द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अनस्टेबल। तो इसलिए क्रोमियम का कॉन्फिगरेशन 4s2 3d4 होने के बजाय जो होता है वो है 4s1 3d5। ऐसे ही कॉपर का होता है, कॉपर का नंबर है 29, आपको दिख रहा है यहाँ पे,
ये कॉपर का नंबर 29। थोड़ा सा कैमरा शिफ्ट कर देते हैं। कॉपर का नंबर, कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन आप जब देखेंगे लास्ट में 29 का, तो आप पाएंगे जैसे यहाँ पर स्कैंडियम में एक था, टाइटेनियम में दो गए थे, तो इसलिए कॉपर में 9 इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं 20 के ऊपर भी। यहाँ तक तो 20 था, इसके बाद 9 आने थे, तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन जो एक्सपेक्टेड था वो आना था 4s2 3d9। लेकिन वही बात, अगर आप इसमें 4s2 3d9 में सपोज कीजिए यहाँ पर क्रोमियम हटा के मैंने कॉपर ही लिख दिया, उसका आना था 4s2 3d9। तो मैं पेयरिंग करता हूँ, 5 तो ऑलरेडी भर चुके हैं, 6 7 8 9। तो ये 9 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद भी जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो पार्शियली फिल्ड है, फुल फिल्ड के लिए एक इलेक्ट्रॉन इसमें घट रहा है। इसलिए इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल करने के लिए इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 4s1 3d10। मतलब जो एक इलेक्ट्रॉन जो एस में था वो कहाँ जंप कर जाता है, डी में। तो ये हो जाता है 4s1 3d10। अब आप देख रहे हैं डी फुलफिल्ड हो गया, डी ऑर्बिटल फुलफिल्ड हो गया, हाफ फिल्ड हो गया, तो बोथ आर मोर स्टेबल देन द प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशन। तो इसलिए इन कॉपर और क्रोमियम के कॉन्फ़िगरेशन में एनामोलीज देखी जाती है, और पूरी पीरियडिक टेबल में सिर्फ और प्रॉपर कॉपर और क्रोमियम में ऐसी एनामोलीज है, ये नहीं है। हर कहीं जहाँ जरूरत लगती है वहाँ एटम अपने अपने कॉन्फ़िगरेशन को उस तरह से नेचुरली एडजस्ट करते हैं, नेचुरल उनकी केमिकल प्रॉपर्टी उस तरह से रिसेंबल करती है। कोई कॉन्फ़िगरेशन किसी ने एटम में जाके देखा नहीं है, पर उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज इस कॉन्फ़िगरेशन से ज़्यादा बेटर एक्सप्लेन की जा सकती है। आप देखेंगे इसमें कॉपर सिल्वर गोल्ड ऑल दी थ्री एलिमेंट, कॉपर सिल्वर गोल्ड एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, कॉइनेज मेटल जिसको अपन बोलते हैं, कॉपर सिल्वर गोल्ड आप पीरियड टेबल में देखेंगे, ऑल दी थ्री एलिमेंट्स है एनामोलिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हुआ आपकी कॉन्फ़िगरेशन की बात। एक और चीज़ है जो आपको मैं बताता हूँ, ये क्वेश्चन राइज होता है कि व्हाई हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन दी पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल्स, हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। फुल फील्ड ऑर्बिटल का तो समझ में आता है क्योंकि ऑल दी स्पिन्स हैव, ऑल दी स्पिन्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कपल्ड इन एन ऑर्बिटल, लेकिन पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल से ज्यादा हाफ फील्ड स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि वहां तो स्पिन की कपलिंग नहीं होती। तो वो अपन एक्सप्लेन करते हैं स्पिन एक्सचेंज से। सपोज कीजिए एक ऑर्बिटल है, ये डी ऑर्बिटल है, 5 ऑर्बिटल है इसमें डी सबशेल में। तो इसमें अगर आप देखेंगे, अगर ये हाफ फील्ड है, अभी मान लीजिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो इन दिस सिचुएशन इस इलेक्ट्रॉन की स्पिन एक्सचेंज करने के लिए कोई भी दूसरा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, ये सब खाली है। लेकिन अगर मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन भर दूँ तो इसमें ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी स्पिन आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ये तीसरा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑल दी थ्री इलेक्ट्रॉन्स आर, ऑल दी 4 5 इलेक्ट्रॉन्स आर डीजनरेटेड, सब एनर्जी लेवल के एक जैसे, इसलिए अपनी स्पिन एक्सचेंज कर सकते हैं। यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन अपनी स्पिन 4 बार चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन अपनी स्पिन आपस में म्यूचुअली चेंज कर सकते हैं। तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल स्टेबल होने का रीजन ये है कि जितनी ज़्यादा स्पिन एक्सचेंज की नंबर होगी किसी एटॉमिक ऑर्बिटल में, उतना ही वो एटॉमिक ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होगा। तो बेसिकली बिहाइंड द रीजन बिहाइंड दी हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल इज दैट मोर नंबर ऑफ, या स्पिन कैन बी एक्सचेंज इन मोर नंबर ऑफ वेज। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ वेज आपके पास स्पिन एक्सचेंज करने के होंगे, उतना ही आपका एटॉमिक ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये आपका ये रीजन हुआ कि क्यों हाफ फील्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल है। इसी के साथ आपका चैप्टर समाप्त होता है, फिनिश होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो कि आपने बहुत सुपरफिशियली पढ़ा, इसमें कुछ ज्यादा डिटेल में आप अपन पढ़ भी नहीं पाए, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में या इंटरनेट पर बस इतना ही आपको पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। तो आई थिंक आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें घर पे, अगर कोई डाउट है यू एक्सरसाइज स्टार्ट कर दें, अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछें। और फिलहाल अभी बारिश बहुत हो रही है तो लाइट की प्रॉब्लम है, लाइट आ रही है जा रही है, इसलिए आप देख रहे होंगे लाइटिंग थोड़ी कम है, तो क्योंकि मैं टॉर्च और फ्लैश लाइट से वीडियो बना रहा हूँ, तो आप इसको थोड़ा डिटेल में टेक्स्ट बुक से पढ़ें। ओके, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट लेक्चर। अब नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है अगला चैप्टर वो अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।